नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश होना कोई नई बात नहीं है, यह किस्सा लंबे वक्त से चला आ रहा है। कुछ ऐसा ही दौर साल 1972 के दौरान भी देखा गया था, जब एक साथ एक ही समय पर दो सुपरस्टारों की बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराते टकराते बची थी। हालांकि फिल्मों के क्लैश से बचाने के लिए उन फिल्मों के डायरेक्टर ने अपनी आपसी सहमति से रिलीज डेट में बदलाव कर उन्हें रिलीज किया था, लेकिन राजेश खन्ना की फिल्म सुपरहिट निकली थी और मनोज कुमार की फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं उनमें से एक राजेश खन्ना और तनुजा की सुपरहिट फिल्म मेरे जीवन साथी और दूसरी मनोज कुमार और जया बच्चन की फिल्म शोर थी। ये दोनों ही फिल्में साल 1972 में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि ये दोनों ही फिल्में एक ही डेट पर सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे शोर फिल्म के डायरेक्टर मनोज कुमार को हार माननी पड़ी थी, क्योंकि राजेश खन्ना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। IMBD की एक रिपोर्ट में मेरे जीवन साथी के प्रोड्यूसर हरीश साह की किताब का हवाला देते हुए बताया गया है कि हरीश साह ने अपनी किताब में मनोज कुमार की एक हरकत की जमकर आलोचना की थी। किताब के अनुसार हरीश से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म मेरे जीवन साथी को डिले करने और इसे शोर के साथ रिलीज ना करने का अनुरोध किया था। हरीश साह ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मानी और शोर फिल्म के रिलीज के एक वीक बाद यानी कि एक हफ्ते के बाद उन्होंने मेरे जीवन साथी को रिलीज किया, जबकि राजेश खन्ना उन दिनों सुपरस्टार थे। मेरे जीवन साथी के रिलीज के बाद जब हरीश मुंबई के अप्सरा थिएटर का हाल देखने के लिए पहुंचे, उन्होंने वहां देखा कि सभी टिकट खरीदे जा चुके थे और अब ब्लैक टिकट स्कैपर लड़कों द्वारा 25 रुपए की सस्ती दर पर बेचे जा रहे थे। यह देखकर वो थोड़े परेशान हो उठे, क्योंकि ब्लैक टिकट से उनकी फिल्म के कलेक्शन पर भारी नुकसान होने वाला था। उन्होंने टिकट बेचने वाले लड़कों से सवाल पूछा तो उन्हें पता चला कि ऐसा करने के लिए उन्हें मोटी रकम दी गई है। यह गेम मनोज कुमार द्वारा ही खेला जा रहा था। दरअसल मनोज कुमार राजेश खन्ना की फिल्म से टकराव नहीं चाहते थे। उन्होंने टिकट खरीदे थे और अब उन्हें खराब रेट पर मार्केट में बिकवा रहे थे। यह उनकी सोची समझी एक बड़ी चाल थी। वो नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबे वक्त तक टिके। हालांकि अपनी इस हरकत के कुछ महीने बाद मनोज ने दोषी महसूस करते हुए हरीश साह की अगली फिल्म में काम करने की इच्छा व्यक्त की। हरीश ने उसे अपने मन की बात बताई और उनका ऑफर अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।